हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 में आया था। सो द क्वेश्चन इज, लेट अस सपोज एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। दैट मीन्स हमें एक पीडीएफ दे रखा है गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स जब एक्स हमारा 0 से 2 में लाई करता है, 2k जब x हमारा 2 से 4 के बीच में लाई करता है, एंड माइनस के एक्स प्लस 6k जब x हमारा 4 से 6 के बीच में लाई करता है, एंड वी नीड टू टेल द वैल्यू ऑफ k। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू, अगर हमारे पास एक पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, सो यू नो दैट अगर कोई एफ ऑफ एक्स है और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर हम उसे इंटीग्रेट करें, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। But in this question, the interval which is given is from 0 to 6. So that means I will integrate this function from 0 to 6. That means 0 se 2 ke beech mein kx, 2 se 4 ke beech mein 2k aur 4 se 6 ke beech mein minus kx plus 6k. Ye humare paas functions ho gaye. So that means is pure ka integration kya hoga? 1 hoga. That means what I need to evaluate is just the definite integration. तो इसमें k कांस्टेंट है तो k को हम बाहर निकाल लेते हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x व्हिच इज x स्क्वायर बाय 2। अगेन 2k इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो 2k इनटू dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट्स 2 से 4। देन अगेन माइनस k इज कांस्टेंट, वी टेक इट आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 एंड अगेन dx का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट्स 4 टू 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। सो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो k टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल अपर लिमिट एंड देन लोअर लिमिट, सो 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इटसेल्फ, प्लस 2k 4 माइनस 2 प्लस माइनस k स्क्वायर बाय 2 इनटू 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6k इनटू 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ अब इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो दिस इज 2k प्लस this will be 2 into 2, so this is 4k, 6 square is 36 minus 4 square, so this will be divided by 2, that is 2k plus 4k minus 10k plus 12k, that is equals to 1. So if you see, this will be 8k, that is equals to 1. So ultimately k will be equals to 1/8, which is our option number B. Thank you students.